रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, निभाना सीखो, निभाना सीखो। मरने से पहले खुलकर जीना सीखो, खुलकर जीना सीखो, खुलकर जीना सीखो। और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो, हंसाना सीखो, हंसाना सीखो। अगर खोने का डर ना होता और पाने की चाहत ना होती तो न भगवान होता न प्रार्थना होती। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से। किताबों के अलावा जो चीज सबक देती है उसे जिंदगी कहते हैं। एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से तेज थपथपाता है और अंदर से सहलाता है। एक मजबूत इंसान बनने के लिए आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको टूटने नहीं देगा। वो दुश्मन बनकर मुझे जीतने निकले थे दोस्ती कर लेते तो मैं खुद ही हार जाता। जब मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ। एक मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। जोकर से पूछा गया कि आप चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हैं, उसने क्या खूब जवाब दिया, लगाते तो सब है लेकिन नजर बस मेरा आता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उस इंसान के सामने मौन रहना ही बेहतर है। जरूरी नहीं कि आपका समय बुरा चल रहा हो सकता है कि सामने वाले का समय ज्यादा अच्छा चल रहा हो। हम मुस्कुराकर गम छुपा लेते हैं और लोग हम जैसे बनने की दुआ करते हैं। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ अपनों की पहचान करवाने के लिए आता है। जो लोग दूसरों की आंखों में आंसू भरते हैं वो भूल जाते हैं कि उनके पास भी दो आंखें हैं। मूड के हिसाब से चलने वाले लोग अपनी छवि को दूसरों के सामने खराब कर लेते हैं। इसलिए जब भी आपका मूड खराब हो शांत रहिए। भावनाओं की नदी में बहकर अक्सर लोग पार कम करते हैं और डूबते ज्यादा हैं। वो इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकते हैं। उतार चढ़ाव के बावजूद जो व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ता उस व्यक्ति की आपको हमेशा कद्र करनी चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति ना तो प्रकाश से डरता और ना ही अंधकार से। प्यार क्या है उससे मत पूछो जिसने पाया है, उससे पूछो जिसने खोया है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी लाश पे रो रहे हैं अभी उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और जो दूसरों को बाधा पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। लोगों की इतनी कदर भी मत करो कि वो आपको मतलब ही समझने लगे। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभालने की भी तो एक हद होती है। लाख खामियां हैं मुझमें लेकिन एक खूबी भी है, मैंने आज तक किसी को पराया नहीं समझा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे मांगना बंद करो। इंसान और पतंग जब हवा में ज्यादा उड़ने लगे तो समझ जाओ अब वो कटने वाले हैं। जुनून हौसला और पागलपन आज भी वही है। मैंने जीने का तरीका बदला है, तेवर नहीं। नादान लोग ही जीवन का मजा लेते हैं, समझदारों को तो हमने हमेशा मुश्किलों में ही देखा है। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाश कहां रोती है, रोते हैं जलाने वाले। जब मैं किसी गरीब को हंसते हुए देखता हूं तो मुझे यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है। वो लोग हमेशा परेशान रहते हैं जो दुनिया को बदलने की सोचते हैं पर खुद को नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी को कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत चाहिए। दुनिया में अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद करना होगा। पैसों से सिर्फ वो मिलता है जो बिकता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, क्योंकि जीतने वाला गोल्ड मेडल अपना सर झुकाकर ही हासिल करता है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है। कुछ अच्छा ही करना है तो वफा करो, क्योंकि मजबूरी का नाम लेकर बेवफाई तो सभी करते हैं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते। एक चोट की दरकार है उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। यदि आप ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे जान पाओगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। अकेले सफर करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए। काफिला दोस्त और दुश्मन अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि ये दुनिया कैसी है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता बल्कि उसकी उम्मीदें देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। ए दोस्त जरा संभल कर चलना, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए मिलेंगे। मैं भी क्या कमाल करता हूँ
एक शाम लिखता हूँ कि भुला दिया तुझे और फिर सारी रात तुझे याद करता हूँ। गुनाह छोटा हो या बड़ा, वह हिसाब सबका करता है। जब जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ जाइए आपकी जरूरत पूरी हो गई है। वक्त का काम तो गुजरना है। वक्त यदि बुरा है तो सब्र करो और अच्छा है तो शुक्र करो। अगर किसी की इज्जत नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन चार लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी मत कीजिए। उजाले में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तलाश उस हीरे की करो जो अंधेरे में भी आपका साथ दे। वो करीब है लेकिन दूरियों के साथ। आप जी तो रहे हैं लेकिन मजबूरियों के साथ। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया ढूंढो, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं नहीं। यूं तो जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हम जिक्र उसी का करते हैं जो हमें मिला नहीं। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। प्यार उसी से करो जो दिल को अच्छा लगता है। आंखों का क्या, उसे तो सब अच्छा लगता है। जब रिश्तों में दरार आती है तो सामने वाले की हर बात में बुराई नजर आती है। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। कड़क बोलना भी सीख इंसान, क्योंकि ये दुनिया दोनों कानों से बहरी है। क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। किसी का मजाक मत उड़ाना। आपको नहीं पता कि वह अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। आपके राज तो पहुंच गए गहरों तक, लेकिन आपने मशवरा तो अपनों से किया था। जिंदगी को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप शांत बनो लेकिन अंधे नहीं। वजह तलाश करो अपनी हार जानने की। किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। हम कड़वी गोली को जल्दी घटक लेते हैं, लेकिन मीठी चॉकलेट को चबा चबा कर खाते हैं। इसी प्रकार जिंदगी में बुरे वक्त को जल्दी भूले और अच्छे वक्त का आनंद उठाएं। हमें भी सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। वो गलती सबसे बड़ी गलती है जिसमें गलती का एहसास ना हो। मेरे किरदार को चाहे कितना भी आजमा लो, लेकिन उसके बाद की कहानी सिर्फ मैं ही लिखूंगा। इतना क्यों सिखाई जा रही हो जिंदगी, हमें कौन सा यहां सदियां गुजारना है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखे। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे।